नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का करियर पावर बिलासपुर के यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस छोटे से वीडियो में हम लोग इंडियन करेंसी पर जो मौजूद पीछे साइड में जो मोटिव्स होते हैं उन मोटिव्स पर एक बार बात करते हैं। इंडियन करेंसी जो 5 रुपए की करेंसी है, 5 रुपए की करेंसी के ऊपर ट्रैक्टर की फोटो आपको देखने मिलेगी। एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए और न्यू टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रैक्टर को शामिल किया, जिससे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशियंसी आ पाई। तो ट्रैक्टर का बड़ा ही बहुमूल्य योगदान था उस समय में। भारत की जो विरासत है उस विरासत में एक अनूठी झलक देखने को मिलती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो पहिया है, रथ है, वो रथ का पहिया महाभारत काल में भी मौजूद था और टाइमलेस उसका एक सिग्निफिकेंस है। ये जो कोणार्क के सूर्य मंदिर का बहुत ही आर्किटेक्चरल मार्वल है अपने आप में, और कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो चक्र मौजूद था वही चक्र न्यूवेस्ट जो पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया में इंस्टॉल की गई है उसमें लोकसभा के अंदर में जो लोकसभा के स्पीकर की सीट होती है उसके ऊपर भी ये कोणार्क का सूर्य मंदिर का ये चक्र देखने मिलता है। 20 रुपए के नोट में जो मोटिव हम देखते हैं वो एलोरा केव की मोटिव है। बहुत समय तक, सैकड़ों सालों तक, एलोरा की केव, अजंता की केव जो है वो मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। जब बाद में इसको खोजा गया तो देखा गया कि एक जमाने में लोगों ने इतना अच्छा रॉक कट केव बनाया है। एलोरा केव भारत की अनूठी सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत करता है, क्योंकि एलोरा केव के अंदर जैन, बौद्ध, हिंदू मंदिरों की एक विशाल श्रृंखला दिखाई देती है। तो ये भारत की हेरिटेज को प्रदर्शित करता है कि इंडिया की हेरिटेज कितनी समृद्ध रही है। 50 रुपए के नोट में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, और हम्पी में रथ के आकार में बनाए गए जो रॉक कट टेम्पल्स थे उस टेम्पल की झलक मिलती है। जब हम आगे बढ़ते हैं 100 रुपी के नोट में, तो 100 रुपी के नोट में गुजरात के पतन डिस्ट्रिक्ट में एक रानी की वाव है। रानी की वाव मतलब एक टाइम पर लोग रिलैक्सेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, जब रानी, उनकी सखी सहेलियां जब उन जगहों पर जाते हैं और ठंड से बचने के, गर्मी के मौसम में बचने के लिए ये स्टेप वेल को इतना आर्किटेक्चरल डिजाइन किया गया, और वो चीज अपने आप में एक आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चर का बहुत बेजोड़ नमूना है। ये देखने मिलता है रानी की वाव 100 रुपए के नोट पर। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बौद्ध स्तूप है, और सांची का स्तूप अशोक ने ढेरों स्तूप बनाए। उन स्तूपों में सांची का स्तूप विश्व विख्यात है और ये भारत की समृद्ध संस्कृति का परिचायक है। आगे देखते हैं 500 रुपए के नोट में, जो 500 रुपए का नोट करंट डेट में हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट है, उसके रियर साइड में जो पैटर्न देखने मिलता है वो हिस्टोरिक लाल किला देखने को मिलता है। और लाल किले की प्राचीर से हम सभी जानते हैं कि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हो। स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।